इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन चला दी है कि भाई इसके स्कैम में मत फंसे हैं। अभी वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च की और क्यों बात करेंगे, क्यों 2023 केबीसी ग्लोबल कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, जो ऑपरेटर होगा जिस पे ज्यादा पैसा होगा उसके खरीदने ऊपर नीचे जाने से ज्यादा गिरावट और ज्यादा उछाल आएंगे और वही समय समय पर प्रॉफिट वो काम करती है, कोयले की ज्यादा से ज्यादा ये खपत करती है। और आपको पता है कि आने वाले दिनों में इसकी परियोजना सोलर पे भी ज्यादा से ज्यादा चलती है, क्योंकि जो कंपनी होती है इसमें अगर हमारा पैसा लग जाए ना लॉस की तरफ भी हो और डूबने का खतरा नहीं होता ऐसी कंपनियों में जो मारदन का। आप एक चीज देखते हैं, आप किसी भी शेयर का चार्ट उठाकर देख लो सर, किसी भी शेयर का चार्ट आप एक सा होते नहीं सर। जब हमने इतना ज्यादा लॉस को रोक लिया तो जब हमें थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम नहीं लेंगे, हम तो और ज्यादा लेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल की, और बात करेंगे एनटीपीसी, और बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जो एक शेयर है जिसका नाम है LIC। लेकिन शेयर नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसके जो काम अब आने वाले दिनों में होने वाले हैं ना, इसकी एक हम आज समीक्षा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने पहले कहा था कि ये जो मार्केट है इस साल खरीदना बेचने वाली मार्केट है, इसके अंदर अपने प्रॉफिट को लेना बनता है। लेकिन काफी लोग जो बड़ी बड़ी यूट्यूबरों की वीडियो देख लेते हैं या उनकी एक अलग ही धारणा होती है, नहीं सर जब हमने इतना ज्यादा लॉस को रोक लिया तो जब हमें थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम नहीं लेंगे, हम तो और ज्यादा लेंगे। लेकिन याद रखना सर, 90% वो आपके प्राइस के पास थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे ही आता है, लेकिन 90 बार अगर आपने अपना प्रॉफिट को लिया होता ना, वो लॉन्ग टर्म से ज्यादा प्रॉफिट कहलाता है। अब इसका एक उदाहरण आपको सटीकता के अनुसार भी दे सकता हूं, क्योंकि काफी लोग मुझे कह रहे हैं सर कि जब हम इतना लॉस देख लेते हैं तो प्रॉफिट आते हुए उसे हम क्यों लें, उसे भी हम और ज्यादा लेंगे। तो सर ये धारणा गलत है सर। देखो सर, जो रखने वाले शेयर है ना, मैंने आपको पहले बता रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है Angel One का, और Paytm का भी दे दूंगा, Paytm Money भी अपने इस तरह से डीमैट अकाउंट खोलती है, तो उसके अंदर अपना दूसरा डीमैट अकाउंट आप खोल लीजिए, उसके अंदर वो रखने वाली क्षमता है ना, उसके हृदय आपके टूटते रहेंगे अगर आपने वहाँ नहीं रखा, उसको जोड़ने की क्षमता अलग से आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो हम प्रॉफिट नहीं लेते, हमारी प्राइस के पास आ जाता है, उससे ऊपर चले जाता है, तो हम थोड़ा प्रॉफिट जो भी आ रहा है वो नहीं लेते और मनसा उसकी आगे तक बना लेते हैं, ये किस तरीके से थोड़ा मुझे अलग लगता है सर। थोड़ा मैं तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि जो मुझे रखने में दूसरे अकाउंट में रखता हूँ। देखो सर, आपने कोई शेयर को लिया, 50 रुपये में शेयर को लिया, उसकी क्षमता आपने 10 रुपये 40 रुपये तक गिरावट तक देख ली, यानी कि उसकी क्षमता आपने 10 रुपये यानी 40 कम 10 रुपये कम हुआ 40 तक देख ली, 20 रुपये कम हुआ 30 तक देख ली, आपके पास जितने भी शेयर होंगे आपको लॉस दिखा रहा होगा, आपने लॉस बुक नहीं किया। तो यहाँ पर एक अच्छी क्षमता है कि आपके अंदर आपने लॉस को बुक नहीं किया। जब हम लॉस को बुक नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो मनी है ना, जो कि तू है, वो कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप एक चीज देखते हैं, आप किसी भी शेयर का चार्ट उठाकर देख लो सर, किसी भी शेयर का चार्ट आप एक साल एक महीना पुराना कुछ भी देख लो, तो किसी का चार्ट ऐसा नहीं होने का, ऐसा चार्ट किसी का नहीं होने का। ऐसा चार्ट क्यों होगा? इसका मतलब फिर शेयर कहीं गिरा ही नहीं, किसी ने बेचा ही नहीं, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी नहीं होने का। एक से एक शेयर उठाकर देख लो, लेकिन जब आप उठाकर देखते हो चार्ट पीछे का, तो ऐसे ऐसे होता है, ऊपर नीचे का मतलब क्या है सर? किसी ने ऊपर सेल किया तो नीचे खरीदा तो ऊपर, तो ये निरंतर प्रॉफिट और लॉस वाले काम चल रहे हैं। ध्यान रखना, लॉस वाले काम वहां पर भी हो जाते हैं, जब हम बेचते हैं ना वो भी गिरावट के ही हो जाते हैं, उसके अंदर हमारा लॉस हम बुक कर लेते हैं, हमारा पैसा चला जाता है। लेकिन अगर आप देखो कि ये बड़े बड़े व्यक्ति कौन हैं जो अपनी सेलिंग करते हैं, अपने को खरीदते भी हैं, हमारे खरीदने बेचने से कभी भी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, होगी उससे जो ऑपरेटर होगा जिस पे ज़्यादा पैसा होगा उसके खरीदने ऊपर नीचे जाने से ज़्यादा गिरावट और ज़्यादा उछाल आएंगे,
और वही समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब उनके साथ साथ लग जाओ सर, बिल्कुल भी ना सोचो कि मेरे प्राइस के पास उससे ऊपर आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक ना करूं। बिल्कुल करो, अगर आपने बहुत दिनों तक रखा है। इस चीज में आपके सालों चले जा रहे हैं, और जब आप चार्ट उठाकर देखते हो ना, तो इन्हीं में ही महीनों में कई बार प्रॉफिट कमाने के मौके निकल कर आते हैं। अजमा लेना, चार्ट को देख लेना, जब भी गिरावट के सिलसिले यानी किसी ने बेचा है, जब भी उछाल के सिलसिले यानी किसी ने खरीदा है। तो इसका मतलब जब चार्ट ही एक तरह सा नहीं रह सकता, तो फिर हम क्यों अपने प्रॉफिट को छोड़ दें। ये बड़ी ही आपके लिए डीपली एक एनालाइज की है, आप भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर हमने लॉस देख लिया, हम तो प्रॉफिट लेंगे अब ज़्यादा। ले लो भाई प्रॉफिट, फिर पता लग जाएगा आपको। प्रॉफिट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। अब बात करेंगे केबीसी ग्लोबल की, और क्यों बात करेंगे, क्यों 2023 केबीसी ग्लोबल कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि केबीसी जो है आवासीय निर्माण करती है, वाणिज्य के जो भवन होती है उसको बनाती है, और रियल एस्टेट से वास्ता रखती है कंपनी। देखो सर, कंपनी का काम बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता रहता है, उसके अंदर ये अपने को अच्छा निखार करता जा रहा है। गोवा सरकार, महाराष्ट्र सरकार और निजी संस्थानों से इनके पास ऑर्डर है। जितनी भी इनकी परियोजना है उसको ये 2027 तक के कंप्लीट कर देंगे। कब तक कर देंगे? 2027 तक कंप्लीट कर देंगे। और आप और ज़्यादा अच्छा अब लगेगा कि जो 100% इनका वर्क है उसमें से 75% ये 2000 में अपनी परियोजना को पूरी कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट कौन सा इनका साल है? 2023 है। तो यहाँ पर इसकी संभावना आपको अच्छी आंक लेनी चाहिए। अब 2023 आ गया, इसका मतलब ये कल परसों एंड तक मान लो इसको कि अब केबीसी ग्लोबल आपको मजबूती की तरफ, अगर कोरोना वाला नहीं आया तो ये अपनी परियोजना को 2023 तक के 75% तक के पूरी कर देंगे। और किसी भी कंपनी में बढ़त का असर तभी होता है जब वो अपनी परियोजना को ख़त्म कर देता है, पूरा कर देता है। तो क्या आपको इससे परियोजना से मिल रहा है? क्या ये जो परियोजना 75% की करेगा, इस पर पैसा भी आएगा, इसकी मांग भी और बढ़ेगी, और फिर और अच्छा इसको काम आगे जाकर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चीज़ इसके अंदर कुछ भी नहीं समझनी है कि इसके अंदर इसने उतार किया, चढ़ाव किया, कंपनी ये वो है, वो सब होता गया आपके साथ, आपके पैसे डूबते गए इसमें। लेकिन 2023 में अगर इस कंपनी ने उजाले करके नहीं दिखाए, तो फिर 2027 तक आप इसकी मंशा बनाकर रखना, फिर तब तक भी कुछ नहीं करेगी तो समझ लेना फिर इस कंपनी में दम नहीं है। क्योंकि जब जिस कंपनी की परियोजना 75% वो पूरी 2023 में कर रहा हो, फिर इसके शेयर में उजाले ना आए, तो फिर समझ लेना इसके अंदर ऑपरेटर ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, पर आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि 100 में से 75% मार्क्स ये 2023 में लाएगा। अगर अब लाएगा तो इसको मिठाई खिलाई जाएगी, और मिठाई का मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आना बनता है इस साल, इसके अंदर दिमाग लगाना बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका भी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। बात करेंगे एनटीपीसी की। सर एनटीपीसी आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, इसको एक महारत्न कंपनी का भी दर्जा मिल चुका है। ताप में भी अच्छा काम करती है, कोयले की ज़्यादा से ज़्यादा ये खपत करती है, और आपको पता है कि आने वाले दिनों में इसकी परियोजना सोलर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा चलती जा रही है। एनटीपीसी आपको आने वाले दिनों में पावर में और ज़्यादा वर्क करते हुए मिलेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही। फिर ये अपनी परियोजना ग्रीन एनर्जी की तरफ भी ले जाएंगे। अभी इनकी कुछ परियोजना राजस्थान में भी सोलर पीवी में भी चल रही है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। उसके अंदर भी इन्होंने कुछ अच्छा काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की मंशा बना ली है। एक चीज़ आपको और चीज़ समझ लेनी पड़ेगी, इन्होंने अभी इटली की कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया है मेथनॉल में। सर मेथनॉल का ये उत्पादन करने का पता लगाएगी, यानी कि मेथलोन का ये गैसोलीन में थोड़ी मात्रा मिलाकर ये जो वाहन होते हैं उसके अंदर ये अपनी एक समीक्षा देख रहे हैं, जो चलते वाहनों में ये मेथलोन और गैसोलीन का मिश्रण के साथ वर्क करेगी। तो उसके लिए उत्पादन के लिए, यानी कि उत्पादन का पता लगाने के लिए इसने इटली के साथ एक समझौता कर लिया है। जो कंपनी इस तरीके से एक वर्क कर रही हो और आने वाले दिनों में वाहन उद्योग के क्षेत्र में इस तरीके का वर्क कर रही हो, तो मुझे लगता है कि वो बिजली के साथ साथ, वाहनों के साथ साथ, सोलर के साथ साथ इस देश पे पहले ही बड़ी कंपनी है, और इसके साथ ये और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको कंपनी लग लेनी चाहिए। तो एनटीपीसी में वर्क कीजिए सर, इस तरीके की जो कंपनी होती है इसमें अगर हमारा पैसा लग जाए ना, लॉस की तरफ भी हो और डूबने का खतरा नहीं होता ऐसी कंपनियों में, जो महारत्न का दर्जा रखती हो, मेथनॉल और गैसोलीन के मिश्रण से ये इटली के साथ समझौता कर रही हो, सोलर में अच्छा काम कर रही हो, कोयले में अच्छा ये काम कर रही हो जिससे ये बिजली बनाती है,
तो महत्वपूर्ण चीज़ है सर, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो बेस्ट काम सर NTPCC ने कर लिया। अब बात करेंगे LIC की। देखो सर, LIC मेरी नज़रों में बहुत ही अच्छा एक शेयर है जो मुझे आने वाले दिनों में बहुत उजालों के साथ दिख रहा है। बीते दिनों आपको एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि LIC जिस तरीके से जीवन बीमा कंपनी है जो जीवन के लिए इंश्योरेंस करती है, उसके अंदर अब अदर कंपनियां भी मिलाई जाएंगी, जिसके वजह से ये सामान्य और स्वास्थ्य में भी ये काम कर सकता है बीमा के लिए। तो एक वित्त मंत्रालय ने एक संशोधन करने का समीक्षा की है, जिसके लिए अगर ये संशोधन हो जाए, ये पारित हो जाए, तो यहाँ पर LIC हमें बहुत ही अच्छी नज़रों से देख लेना चाहिए। अब LIC आपको स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनी में भी उतरती हुई दिखाई देगी, यानी कि जीवन के साथ साथ स्वास्थ्य और आपको सामान्य जो इंश्योरेंस होते हैं उसके लिए काम हो रहा है, उसके लिए LIC को चुनने का एक नज़रिया बताया गया है। कंपोजिट लाइसेंस के लिए सबसे अच्छा वर्क कौन करेगा, आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। इसमें एक वर्ड आया है सर कि अगर ये कंपोजिट लाइसेंस के थ्रू सामान्य और स्वास्थ्य और जीवन बीमा को साथ लेकर चलें तो एक बेहतरीन इसके लिए LIC के लिए एक अच्छा काम हो सकता है। तो बेहतरीन का वर्ड आ गया, तो ये इतिहास रचने वाला एक काम होने वाला है, जिसमें अब ये स्वास्थ्य और सामान्य इंश्योरेंस भी LIC के थ्रू होते हुए दिखाई देंगे। अब इससे एजेंट को भी एक अच्छी इनकम का जरिया मिल जाएगा। पहले वो जीवन के लिए इंश्योरेंस करते थे, तो अब वो स्वास्थ्य और आपको सामान्य इंश्योरेंस भी LIC में होते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर जो बीमा एजेंट होते हैं उनको अच्छी इनकम होने के उद्देश्य से भी बताए जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब 1970 के दशक में ये ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ एक काम करते थे दोनों मिलकर, और ओरिएंटल इंश्योरेंस आपको पता है सर वो सामान्य इंश्योरेंस का काम करता था, लेकिन 1973 में जब इस कंपनी से अलग हुआ LIC से, तो फिर LIC सिर्फ जीवन के लिए ही इंश्योरेंस करने लग गई थी। लेकिन अब एक संशोधन किया जा सकता है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने कदम को बढ़ा दिया है। अगर ये कदम LIC के लिए बढ़ा दिया जाए, जिसके अंदर कंपोजिट लाइसेंस के थ्रू इनको एक बेहतरीन अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो आने वाले दिनों में आपको LIC जहां इस टाइम मिल रहा है ना, पकड़ में नहीं आने का ये शेयर, आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको अभी जब इतना ज़्यादा इसने प्रॉफिट कर दिया LIC ने सिर्फ अपने जीवन इंश्योरेंस के द्वारा, उसके बाद स्वास्थ्य के द्वारा अगर जुड़ जाए, सामान्य के द्वारा जुड़ जाए, तो क्या नहीं हो सकता इस कंपनी को। उसके बाद फिर ये अदर कंपनी को अपने आपस में मर्ज कर ले, फिर तहलका मचा देगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि LIC कुछ ऐसा काम जरूर करेगी जिसकी वजह से जो इसके निवेशक हैं ना, निराश नहीं होने के, लेकिन उसके अंदर वक्त लग जाएगा। तो आपको अब इस महीने से आपको LIC में रंगीनता नज़र आने के उद्देश्य से देख लेने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर रंगीनता भी नहीं आई ना, तो होल्ड करने वाला शेयर आपको LIC बन रहा है। तो स्वास्थ्य हो गया, सामान्य बीमा हो गया, इसके लिए LIC ने अपने कदमों को बढ़ा दिया है, और कहीं इसके अंदर सुझाव दिए जा रहे हैं कि इनको कंपोजिट लाइसेंस के थ्रू एक बेहतरीन अवसर प्रदान LIC को किए जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मुझे LIC में लगी है सर। तो अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर देखो, वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे कि दो कंपनियों ने बाजार में अपने 5G उतार दिए, यानी कि रिलायंस और एयरटेल ने। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को ये भी मिली होगी, कुछ महीनों पहले आपके मोबाइल में भी आया था कि अपग्रेड कर लो 5G में अपना नंबर। तो इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन चला दी है कि भाई इसके स्कैम में मत फंसे। अभी वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में वो कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है या कुछ साइबर अटैक हो रहा है, उसके लिए आपको नंबर आपका मांगा जाता है, फिर आपको OTP भेजा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पेटीएम फ़ोनपे से आपके जो नंबर है जुड़े होते हैं, तो आप इसमें खुश हो जाओगे भाई। क्योंकि सर वोडाफोन आइडिया के सिम जो है काफ़ी लोगों के पास है, और आपको पता लगे कि आपके शहर में 5G आने वाला है, वो भी SMS के थ्रू, तो आप भी कहोगे चल यार वहीं से आया होगा क्योंकि मेरे पे SMS पहले भी आ चुका है। तो फिर कहीं ना कहीं हम इसमें गड़बड़ी कर देंगे, अपना OTP दे देंगे, तो हमारे पैसे सारे खत्म होने के एक चांस है। तो ये एक सरकार ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया इसके अंदर, ये बताने के लिए कि वोडाफोन आइडिया अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में 5G जरूर लाएगा जिस तरीके से एक न्यूज़ में है, लेकिन अभी के स्कैम से आपको बचना पड़ेगा। तो वोडाफोन आइडिया अभी आपकी रंगीनता, मैंने आपको पहले कहा था कि जनवरी 20 के बाद देख लेनी चाहिए, अभी इस तरीके की न्यूज़ जो आ रही है
वोडाफोन आइडिया को हाईलाइट कर रही है। तो जब इस तरह की न्यूज आती है ना, समझ लेना कहीं ना कहीं आगे जाके रंगीनता वाली न्यूज इसके अंदर आने वाली है। तो सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार जान लीजिए। केबीसी ग्लोबल अगर इस साल आपको बढ़त दिखा दे तो बेटर, नहीं तो 2027 तक इसके अंदर इस तरह हमें रेंगते हुए इंतजार करना पड़ेगा। एनटीपीसी ने मेथनॉल पे वर्क करने के लिए इटली के कंपनी के साथ हस्ताक्षर कर लिए हैं। LIC ने अपने साथ दो और बीमा को जोड़ने की एक पेशकश जो बढ़ाई है, इससे आपको आने वाले दिनों में LIC में रंगीनता मिलेगी और प्रॉफिट जो आपका है ना, दूसरों के कहने में कभी नहीं छोड़ना है। अमीर अगर आपको बना जाएगा वो धीरे धीरे बना जाएगा, इस मेथड को भी आपको समझना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।